नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। 22 जनवरी को आयोजित होगा सिवान में चित्रकला प्रतियोगिता। प्रसिद्ध चित्रकार एवं कला संस्कृति को समर्पित अखिल भारतीय संस्था संस्कार भारती के संस्थापक कला ऋषि पद्मश्री बाबा जोगेंद्र जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर एवं सिवान जिला स्थापना के 50 वर्ष पूर्व होने पर संस्कार भारती सिवान इकाई के द्वारा आगामी 22 जनवरी को विविध कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर चित्रकला प्रतियोगिता, स्वाधीनता आंदोलन में जन सहभागिता पर व्याख्यान सहित कई कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आइए देखते हैं क्या कहते हैं संस्कार भारती के प्रदेश उपाध्यक्ष जादूगर विजय। जनवरी को क्या आयोजन है? नमस्कार आपको भी और सिवान के तमाम जनता को भी। सिवान भी एक सांस्कृतिक धरती रही है। अब आया 22 जनवरी, अपने यहाँ पद्मश्री कला ऋषि बाबा योगेंद्र का जन्म शताब्दी वर्ष है। बाबा योगेंद्र जी पूरा जीवन अपना समर्पित कर दिए कला के विकास के लिए, कला और कलाकारों को एकजुट करने के लिए। ऐसे महापुरुष का 22 जनवरी को हम लोग जन्म शताब्दी मना रहे हैं। साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन में जन्म का सहभाग, इस विषय पर भी एक कार्यक्रम करेंगे। इन दोनों विषयों को लेते हैं तो याद आता है कि अपने सिवान जिले को 50 वर्ष पूर्ण हो गया बने हुए। विगत 3 दिसंबर को 50 वर्ष पूरा किया सिवान जिला, तो इस 50 वर्ष पर भी सिवान जिला को भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। ये कार्यक्रम 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है स्कूली छात्रों को, जैसे 5वें क्लास से लेकर 10 तक भैया बहनों के बीच रंग भरो प्रतियोगिता चित्रकला विषय पे। दूसरा है संस्कार भारती के जो परिवार सदस्य हैं, जो सदस्य हैं उनके परिवारों के साथ एक मिलन सम्मेलन। उसके बाद का कार्यक्रम है एक बाबा योगेंद्र के छाया चित्रों का प्रदर्शनी। बाबा योगेंद्र के छाया चित्र, उनके व्यक्तित्व के ऊपर जो जितने छाया चित्र हम लोग के पास है उसका एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी। उसके पश्चात रंगमंच का एक कार्यक्रम है जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा जिसमें गीत संगीत नृत्य और नाट्य, इन चारों पांचों विषयों को लेकर वो सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी चंद्रमा चंद्राही और शीतल कुमारी करा रही हैं, उसकी भी प्रस्तुति वहाँ होने वाली है। साथ ही सिवान के ऐसे बुद्धिजीवी वर्गों से और संस्कार भारती प्रांतीय समिति से आए प्रतिनिधियों का एक मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा। सिवान जिले को 50 वर्ष पूर्ण होने पर हम सोच सकते हैं कि 50 वर्ष पहले भी कोई कलाकार रहा है, अभी भी जीवित है, ऐसे कलाकार को हम सम्मान करेंगे संस्कार भारती के मंच से। साथ ही स्वतंत्रता के आंदोलन में सहभागी ऐसे क्रांतिकारी वीरों गति को प्राप्त जो ऐसे हैं जो 1942 के आंदोलन में सक्रिय थे, उनके परिवार में से किसी एक बंधु को बुला के उनका भी हम सम्मान करने वाले हैं। रहा चित्रकला का विषय को और विस्तार से मैं बता दूं कि ये रंग भरो प्रतियोगिता जो है इसके लिए बच्चों से हम लोग 50 रुपये का शुल्क रखे हुए हैं। ठीक 11 बजे यह रंग भरो प्रतियोगिता शुरू होगी। कार्यक्रम स्थल पे बच्चों को एक रेखा चित्र दिया जाएगा जिसमें बच्चे अपने मन से उसमें रंग भरेंगे, उसमें से चयनित बच्चे को हम पुरस्कृत करेंगे, बाकी शेष बच्चों को प्रमाण पत्र उनको दिया जाएगा। ये स्थानीय महादेवा रोड में कलावती मैरिज हाउस का जो अपना मैरिज हॉल है उसके अंदर ये कार्यक्रम आयोजित है।